मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवानदास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड यूनिट की बात करेंगे, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। अपन बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की सेकंड यूनिट आइसोमेरिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं समवायता। ठीक है, तो देखो, आपने पहले अपन ने बात की फर्स्ट यूनिट की, फोर्थ यूनिट दो अपन पढ़ चुके हैं, ये अपनी सेकंड यूनिट है आइसोमेरिज्म समवायता। सबसे पहले अपन इस टर्म को डिफाइन करेंगे, आइसोमेरिज्म होता क्या है, समवायता कहते किसे हैं, है ना। तो देखिए, मान लीजिए अपने पास में कोई दो कंपाउंड है और दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं C2H5, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं आपके सामने, CH3 CH2 OH। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा CH3 OCH3। अब इन दोनों को यदि अपन देखें तो ये जो है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6O। ये जो अणुसूत्र है ये इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। तो यदि मान लीजिए अपने पास में कोई एक अणुसूत्र है और उस वो अणुसूत्र दो डिफरेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों कंपाउंड क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, तो अपन कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर। ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, मैंने आइसोमेरिज्म। इस होल फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो अपन ये कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखो, इसमें तो क्रियात्मक समूह आपका OH है और इसमें आपका क्रियात्मक समूह है ये। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है जिसके कारण इसके अणुओं का संगठन हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है, जबकि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, कम होता है। इसको अपन बोलते हैं ईथर और इसको बोलते हैं अपने एल्कोहल। ठीक है, या इसको अपन बोलेंगे डाइमेथिल ईथर, इसको बोलेंगे एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। तो अपन इसको अगर वर्ड में रिप्रेजेंट करें, एज ए डेफिनेशन दें, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि समावेता समवायता समवायता, इसमें लिखेंगे अपन, यदि किन्हीं यौगिकों अणुसूत्र समान हों लेकिन उनके भौतिक भौतिक गुण या
रासायनिक गुण या दोनों असमान हो तो इन यौगिकों को समावयी यानी आइसोमर्स तथा इस अवधारणा को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया था, आप लिख लीजिए। अणुसूत्र है आपके पास में C2H6O, इसके दो समावयी होंगे CH3, CH2, OH, CH3, O, CH3। एक को बोलते हैं अपन एथेनॉल, एक को बोलेंगे अपने मेथॉक्सी मेथेन, या इसको मैं सीधा लिख देता हूँ डाई मेथिल ईथर। जो भी आपको सूटेबल लगता है वो नाम लिख लीजिए, डाई मेथिल ईथर या मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, तो ये आपकी समावयता की डेफिनेशन आ गई, इसका एग्जाम्पल हो गया है, इसको आप नोट डाउन करें फिर अपन बात करते हैं। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। तो समावयता क्या होती है, मान लीजिए अपने पास में कोई दो डिफरेंट कंपाउंड है और उन दोनों डिफरेंट कंपाउंड का अणुसूत्र एक ही है, लेकिन उन दोनों कंपाउंडों के चाहे तो भौतिक गुण अलग हो सकते हैं, चाहे उनके रासायनिक गुण अलग हों, अथवा दोनों भी हो सकते हैं, रासायनिक और भौतिक गुण दोनों अलग हों, तो उन दोनों कंपाउंड को क्या कहेंगे, एक दूसरे के समावयी, और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, समावयता। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद में अपन बात करेंगे समावयता के प्रकार की, समावयता कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, समावयता इसको अपन लिखते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये समावयता को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला पार्ट हो जाएगा संरचनात्मक समावयता, इसको बोलेंगे अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा पार्ट अपने पास में आता है त्रिकोणात्मक
त्रिविंग समावेता या इसको बोलेंगे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो समावेता बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक समावेता और दूसरी त्रिविम समावेता। ठीक है, अब अपन इस संरचनात्मक समावेता को फिर पांच भागों में विभाजित कर देते हैं। इसका पहला पार्ट या मैं इसको ए और बी से या फर्स्ट और सेकंड कर देता हूं इसको, ताकि नंबरिंग में दिक्कत नहीं हो। फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो संरचनात्मक समावेता को फिर पांच भागों में बांट देते हैं। एक आता है अपने पास में स्थिति समावेता, स्थिति समावेता इसको अपन बोलते हैं पोजीशन आइसोमराइजेशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा टाइप है इसमें श्रृंखला समावेता, चैन आइसोमराइजेशन, चैन आइसोमेरिज्म। थर्ड बात करते हैं अपने मध्यावेता, मध्यावेता इसको लिखते हैं अपने मेटामेरिज्म। फोर्थ नंबर पे आता है आपका क्रियात्मक समावेता, क्रियात्मक समावेता इसको लिखते हैं अपन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पांचवा जो पार्ट है इसका वो आता है चलावेता, चलावेता इसको अपन लिखते हैं टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। सबसे पहले अपने समावेता को दो भागों में विभाजित किया, संरचनात्मक समावेता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा अपने डिवाइड किया त्रिविम समावेता स्टीरियो आइसोमेरिज्म, फिर अपने संरचनात्मक समावेता को पांच भागों में विभाजित कर दिया, स्थिति समावेता पोजिशन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावेता चैन आइसोमेरिज्म, थर्ड नंबर पे मध्यावेता मेटामेरिज्म, फोर नंबर पे आपका क्रियात्मक समावेता फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और फिफ्थ नंबर पे आ रही चलावेता टोटोमेरिज्म। ये तो इसकी बात हो गई संरचनात्मक समावेता की, और ये आपके ट्वेल्थ में भी पढ़ चुके हैं, है ना। और अब बात करते हैं अपन त्रिविंग समावेता की स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको अपन फिर दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला पार्ट आता है हिंदी में लिख देता हूं पहले मैं, है ना, विन्यासी समावेता, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा पार्ट आता है इसका, यह आता है संरूपण समावेता, या संरूपण भी बोल देते हैं इसको, है ना। इसको लिखते हैं अपने कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन
ठीक है। फिर इस विन्यासी समवायता को आगे चल के फिर दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एक हो जाता है इसमें आपका प्रकाशिक समवायता, प्रकाशिक समवायता यानी इसको लिख सकते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा जो पार्ट हो जाता है इसका वो आता है आपका ज्यामिति समवायता, ज्यामिति समवायता, इसको अपन बोल सकते हैं जियोमेट्री आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये अपना सिलेबस है जिसको अपने को पढ़ना है इसमें, और मैंने इसको आपको क्लासिफिकेशन के माध्यम से क्या किया है शो करने का या समझाने का प्रयास किया है। अपन बात करें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप इसको एक बार नोट कर लें अच्छे से, ताकि आपको दिमाग में रहे कि मुझे क्या पढ़ना है इसमें और ये किस तरह से क्लासिफाइड होता है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सबसे पहले अपन ने बात की समवायता आइसोमेरिज्म की। इस समवायता क्या होती है, जब किसी दो यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं और उनके रासायनिक व भौतिक गुण अलग अलग हो, तो उन यौगिकों को अपन कहते हैं कि वे एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, समावयवी है। और इस गुण को या इस अवधारणा को, इस कंसेप्ट को अपन कहते हैं समावयता, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि समावयता जो है वो दो प्रकार की होती है, पहली संरचनात्मक समावयता और दूसरी त्रिविम समावयता, ठीक है। इनकी डिटेल स्टडी अपन बाद में करेंगे, पहले आप इतना समझिए कि समावयता दो प्रकार की, संरचनात्मक समावयता और त्रिविम समावयता। संरचनात्मक समावयता में क्या होता है कि इनका बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो अलग अलग होता है, और त्रिविम समावयता में बॉन्डिंग पैटर्न तो सेम रहता है, लेकिन इसमें जो आपके यौगिक या अणु जो जुड़े होते हैं उनकी आकाशीय व्यवस्थाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। तो संरचनात्मक समावयता को फिर अपन पांच भागों में विभाजित करते हैं, कौन कौन से, स्थिति समावयता, दो नंबर पे आपकी श्रृंखला समावयता, स्थिति समावयता को पोजिशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, दूसरे नंबर पे आ गई श्रृंखला समावयता, तीसरे नंबर पे आ गई मध्यावयता, चौथे नंबर पे आ गई आपकी क्रियात्मक समावयता, और पांचवें नंबर पे आ गई आपकी चलावयता। तो संरचनात्मक समावयता को हमने क्या किया, पांच भागों में विभाजित कर दिया, और ये पांचों पार्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, इनसे वाकिफ हैं। दूसरी अपन बात करते हैं त्रिविम समावयता की। त्रिविम समावयता में क्या होता है, इनकी आकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, संरचना तो सेम होती है, ठीक है। तो त्रिविम समावयता में आकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होंगी, तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो विन्यासी समावयता और एक संरूपण। विन्यासी समावयता में क्या होता है कि जो यौगिक की आकाशीय व्यवस्थाएं जो है वो क्या होती है, स्थाई रूप से क्या होती है, स्थाई रूप से भिन्न भिन्न होती है, वो एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं होती, यानी इनमें जो उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है कॉन्फिगरेशन में। इसके दो एग्जांपल हैं, एक प्रकाशिक समावयता, दूसरी ज्यामिति समावयता। तो प्रकाशिक समावयता अपन पढ़ेंगे,
तो इसमें काफी सारे एलिमेंट भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे। प्रकाशिक समावयता को यूं समझ लीजिए आप कि अगर किसी यौगिक में, ठीक है, किसी यौगिक में यदि असममिति पाई जाती है, यौगिक एसिमेट्रिक है, तो उस कंडीशन में वो समतल ध्रुवीय प्रकाश के साथ में दो तरीके से ट्रीट करता है, या तो उसके साथ में ट्रीट नहीं करेगा, उसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, या फिर वो रिएक्शन करेगा। अगर रिएक्शन नहीं करेगा इसका मतलब उसमें प्रकाशिक समावयता नहीं है, और अगर वो रिएक्शन करता है उसका एंगल चेंज होता है, तो दो तरीके से होगा, या तो वो समतल ध्रुवीय प्रकाश को दक्षिणावर्ती घुमाएगा या फिर उसको वामावर्ती घुमाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी प्रकाशिक समावयता दर्शाई जाती है। ज्यामितीय समावयता में क्या होता है, घूर्णन प्रतिबंधित होता है, रोटेशन नहीं होता, तो यौगिक की स्ट्रक्चर क्या हो गई, फिक्स हो गई। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड हो दो कंपाउंडों के बीच में, तो इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन होगा तो बॉन्डिंग टूट जाएगी, तो घूर्णन प्रतिबंधित होता है, उस कारण से ये समावयता दर्शाई जाती है। संरूपण की बात करें तो संरूपण में क्या होता है कि यौगिक की आकाशीय व्यवस्थाएं लगातार समय के साथ में परिवर्तित होती रहती है, तो ये अस्थायी होती है, और इन संरूपणों में एक संरचना दूसरी संरचना के बीच में जो है ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर भी एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इनके बीच में विन्यास में क्या होता है, ये फिक्स होता है, या इनकी ऊर्जा का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जो इनको रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इनकी संरचनाएं क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लासिफिकेशन है वो इसका समझ में आ गया होगा। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संरचनात्मक समावयता, पहले इसको पढ़ेंगे अपन, इसके बाद में अपन नेक्स्ट की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।